नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है उन अफसरों पर जिनकी ग्रेडिंग या फिर यूं कहे कि काम के रवैये से जिनसे नाखुश थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्हें हटा दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिन भर मैराथन बैठक चली थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स की। मैं सबको बराबर मानता हूं, जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे। अच्छा काम करने वालों की हमें जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है, और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम करे। मेरा प्रयास निष्पक्ष मूल्यांकन का है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। साइबर क्राइम के लिए मुझे लगता है कि छोटे स्तर पर जिला एक शुरुआत करें, प्रदेश के स्तर पर हम विचार कर रहे हैं, उपलब्ध संसाधनों में से करें, और वो प्रयोग अगर सफल होता है तो फिर हम उसको और पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे। 7:30 बजे के करीब शाम को जब ये बैठक खत्म हुई, जो सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी, उसके बाद बड़ा एक्शन लेते हुए जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक 2 SP और 2 कलेक्टर्स के साथ 1 CSP को हटाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बड़ी खबर के मुताबिक आपको बताएं कि जो कलेक्टर बैतूल है राकेश सिंह और नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह, इनके अलावा SP निवाड़ी वाहिनी सिंह और गुना के SP राजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा करके इनकी जो नवीन पदस्थापना है वो भोपाल कर दी गई है। और इसके अलावा आपको बताएं कि गुना के जो CSP है नेहा पचीसिया, उनको भी हटा दिया है, तबादला करते हुए उन्हें भोपाल बुलाया गया है। ये बताया जा रहा है कि इनके काम करने के रवैये से मुख्यमंत्री नाराज थे। आरोप ये है कि इनके कार्यकाल के दौरान जो क्राइम का ग्राफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो SP हटाए गए हैं निवाड़ी और गुना के, बताया गया है कि इनके कार्यकाल के दौरान जो क्राइम का ग्राफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इसी की गाज जो है वो CSP पर भी गिरी है, गुना की नेहा पचीसिया पर। और इसके अलावा जो बैतूल कलेक्टर हैं और नीमच के जो कलेक्टर हैं, ये बताया जा रहा है कि जो मादक पदार्थ है, अवैध शराब है, इसको लेकर के जो एक्शन लेना चाहिए था वो ये नहीं ले पाए थे, और इसकी वजह से इन पर भी गाज गिरी है। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, मुख्यमंत्री जब भी बैठक कर रहे हैं हर महीने 1 से 2 ऐसे बड़े अफसरों पर गाज गिर रही है। इससे पहले कटनी कलेक्टर पर भी गाज गिरी थी, और ग्वालियर के जो नगर निगम कमिश्नर थे उन पर भी गाज गिर चुकी है काम में लापरवाही बरतने को लेकर के। ये बड़ी खबर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मामा वाली छवि से अब बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं अपने 4थे कार्यकाल में, ये बता रहा है कि किस तरीके से अब प्रशासनिक कसावट सिर्फ तबादलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री 29 दिनों तक काम करने के बाद 30वें दिन जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं उसमें अब अफसरों के विकेट गिरना शुरू हो गए हैं। उनसे लगातार उनकी रेटिंग ली जा रही है, कौन सा जिला अच्छा काम कर रहा है, कौन सा जिला बुरा काम कर रहा है या फिर उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, उन सब की रेटिंग हो रही है। अच्छे काम करने वाले अफसरों को सराहा जा रहा है। बैठक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो अफसर अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ की जाएगी, लेकिन जो अफसर कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा उसको परिणाम भुगतना होगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब पहली बार कलेक्टर कमिश्नर्स की बैठक की थी उसी वक्त साफ कर दिया था, और लग रहा है कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हर बैठक के बाद जिन अफसरों के काम करने के रवैये से मुख्यमंत्री खुश नहीं है या फिर जिनका काम करने का तरीका अब संतोषजनक नहीं लग रहा है, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा करके उनका तबादला कर दिया जा रहा है। और ये एक बार फिर से देखने को मिला है मुख्यमंत्री की इस बैठक के बाद, एक बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का।